बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो खुश भी होंगे और उनके जो ब्लड प्रेशर हैं हाई भी हुए होंगे, बाद में फिर नॉर्मल हुए होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एशिया कप के एक अहम तरीन मैच में पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान को शिकस्त दी है एक विकेट से। और जिस तरीके से नसीम शाह ने बड़ी ज़बरदस्त आखिरी दो छक्के लगाए हैं दो गेंदों के ऊपर, वो बड़े उसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कुछ ट्वीट्स किए हैं नसीम शाह को। मैंने कहा मैं आपका सारी ज़िंदगी का मुरीद हूँ, जिस तरीके से आपने बल्लेबाजी की है और जिस तरीके से अफ़गानी बदतमीज़ी कर रहे थे पाकिस्तानी टीम के साथ, उसका ये जवाब भी बनता था। बहरहाल खुशी का दिन है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से जुड़ी बहुत सारी ख़बरें भी आ रही हैं। और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना रेफरेंस है उनकी नाअहली से मुतालिक जो मोहसिन शाहनवाज रांझा और जो दीगर पाँच छः दरख्वास्त गुजार, उन्होंने जो रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया था और वो फिर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास आया, तो आज उस रेफरेंस की तहरीक इंसाफ के वकला ने हवा निकाल दी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मासवाए इस रेफरेंस को का जवाब नाम में और मुस्तरद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इस केस की समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी की गई है। 19 सितंबर को दरख्वास्त गुजार जो हैं उनसे जवाब मांगा गया है, उसके बाद दलायल का मरहला शुरू होगा। ये रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया था 2 अगस्त को, और इसको आलमोस्ट 1.5 महीना होने वाला है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस पर कई समातें हुई हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले के ऊपर समात कर रहा है। कई समातों में तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कुछ वक्त मांगा कि इसके ऊपर हम आपको बाज़ाब्ता तौर पर जवाब जमा कराएंगे, और आज जो जवाब है वो जमा करा दिया गया है। बेसिक जो जवाब है वो 9 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, बाकी जो 60 सफ़ात हैं वो इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो रसीदें हैं वो हैं, और जिसमें इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि इमरान खान ने जो कुल 58 ऐसे तहाइफ हासिल किए हैं जो उन्होंने अपने एसेट्स की डिटेल में जमा नहीं कराए, और इमरान खान ने एसेट्स फॉर्म में यानी कि जो असासा जात और लाइबिलिटीज़ फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई रुकन कौमी असम्बली जमा कराता है उस फॉर्म में जमा ना कराने के ऊपर इमरान खान की उन्होंने कहा कि ये 62(1)(f) के तहत इनकी ताहियात ना अहली की जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस मामले की तहकीकात किए बगैर ये मामला भिजवा दिया, और आज चेयरमैन PTI इमरान खान के बिहाफ के ऊपर बैरिस्टर अली जफ़र और गौहर खान की जानिब से जो तहरीरी जवाब है वो जमा कराया गया है। और उस जवाब में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सबसे अहम मामला है दायरा इख्तियार और दायरा समाअत के ऊपर सवालात उठाए हैं, उनको चैलेंज किया है। PTI के वकला ने और इमरान खान ने ये सवाल उठाया है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ये रेफरेंस जो भिजवाया गया है और इमरान खान को 63(2) के तहत ना अहल करने की जो बात की गई है, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट कोर्ट ऑफ लॉ, इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई फैसलों में इस बात को क्लियर कर चुकी है कि 62(1)(f) के तहत अगर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन बनती है तो वो कोर्ट ऑफ ला से होना ज़रूरी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को भी 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरा समाअत को चैलेंज किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसके ऊपर कहा कि अगर आप दायरा समाअत को चैलेंज कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो मुतफरक दरख्वास्त दें, और जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमने वैसे एक पॉइंट रेज किया है और इसके साथ आगे भी हमने जो रेफरेंस के अंदर पैरावाइज जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है हमने उसका भी जवाब दिया है। इमरान खान ने तोशाखाना से जो उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म तहाइफ हासिल किए या फिर उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी की जो तहाइफ मिले, उन तमाम की तफसीलात रसीदें चलान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश किए हैं। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है कि उनको और उनकी अहलिया को कुल 58 तहाइफ हासिल मिले, या उन्होंने तोशाखाना से 58 तहाइफ हासिल किए जो उन्होंने बराह रास्त उनको मिले। रूल्स के मुताबिक 20% रकम जमा कराने के ऊपर जिनको तहाइफ मिलते हैं वो उस तोहफे को रिटेन कर सकते हैं,
और 14 ऐसे तहाइफ थे जिनकी मालियत 30,000 रुपए से ज़्यादा थी। रूल्स के मुताबिक 30,000 से कम वैल्यू वाले जो तोहफा है उसको कोई बंदा मुफ्त रख सकता है, लेकिन जो 30,000 से ज़्यादा की रकम वाले वैल्यू वाले जो तहाइफ होते हैं उनके 20% जो कीमत है वो अदा करके आप वो तहाइफ हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब उन तहाइफ की जो मालियत है, जो हासिल करने की मालियत है, उसको 50% कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि जो अपने जवाब में उन्होंने तहाइफ की ख़रीदारी की तमाम रसीदें भी पेश की और बैंक अकाउंट्स और चलान जो है वो भी सारा जमा कर कराया। इमरान ख़ान ने अपने जवाब में ये कहा कि उनको जो ज़्यादातर तहाइफ मिले हैं वो गुलदान, टेबल मैट, परफ्यूम, तस्बीह, डेकोरेशन पीस, घड़ियाँ, अंगूठी, लॉकेट, कफ लिंक्स जो हैं वो शामिल हैं, और सिर्फ 14 ऐसे तोहफे हैं जिनकी मालियत जो है, जिनकी रकम जमा कराई गई है। इमरान ख़ान ने कहा कि जुलाई 2018 से 2019 तक 21 तहाइफ हासिल किए गए और इस दौरान 4 गिफ्ट्स जो कि 2,15,50,000 रुपए के इवज़ हासिल किए गए। 2019-20 के दौरान 3 तहाइफ के इवज़ 15,03,700 रुपए अदा किए। साल 2020-21 के दौरान 5 गिफ्ट्स 1,16,85,250 रुपए के इवज़ हासिल किए, जबकि साल 2021-22 के दौरान 2 तहाइफ 31 लाख रुपए के इवज़ हासिल किए गए और साथ में बैंक की रसीदें भी जमा कराई गई। असासों की जिसमें तफसीलात में जो मैंने बताया कि गुलदान, टेबल मेट, घड़ियाँ, फ़ोन और गिलास जो है वो नहीं लिखी जाती हैं। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कहा कि किसी ऐसे असाजात किसी भी मेम्बर ने आज तक इवन के जो रेफरेंस जिन्होंने दायर किया है उन्होंने भी अपने असासों में इन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं किया। अलबत्ता इनकी जगह के ऊपर कीमती आइटम्स को लिखा जाता है, जो कि इमरान ख़ान ने भी कीमती आइटम्स में मेंशन किए हैं। इमरान ख़ान ने कहा कि अब ये तो तमाम जो तहाइफ हैं ये मेरे पास नहीं हैं, मैंने इन 14 तहाइफ को फ़रोख्त किया और हर साल में टैक्स रिटर्न भी जमा कराई, उनमें भी इनको इस रकम को ज़ाहिर किया गया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी हमने ये जो तहाइफ के एवज रकम हासिल हुई है वो मेरे बैंक अकाउंट्स में मौजूद हैं और उन बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश की हुई हैं। लिहाजा ये जो रेफरेंस है, एक तो उन्होंने कहा कि ये बदनीयती और सियासी बुनियादों के ऊपर है, झूठ है, मनगढ़ंत है और इसका मकसद सिर्फ सियासी तौर पर पॉइंट स्कोरिंग करना है, लिहाजा इसको खारिज किया जाए, इसको इसका जो जवाब है वो नहीं में किया जाए। और इसके अलावा एक और अहम पॉइंट के ऊपर भी इमरान ख़ान ने बात की कि जब एक रुकन कौमी असम्बली अपने असासाजात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराता है तो इलेक्शन कमीशन उसकी 120 रोज़ के अंदर स्क्रूटनी करता है और वो स्क्रूटनी करने के बाद अगर कहीं गड़बड़ होती है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, लेकिन इसके बाद एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बाद अगर आप कहें कि इस नुक्ते को भी अगर देखें तो भी ये नुक्ता जस्टिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन माजी में ऐसे कई काम कर चुका है, असाजात जो पुराने होते हैं उनको देख चुका है और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर माजी के जमा कराए गए असाजात या फिर गोशवारे जो हैं उनकी छानबीन कर रहा है। लिहाजा ये जो पॉइंट है ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और दुरुस्त नहीं है। और तमाम जो उन्होंने कहा कि 14 तहाइफ हैं वो हमने बेच दिए हैं और इनकी सारी तफसीलात अपने असाजात में मैंने अपने बैंक अकाउंट्स में ज़ाहिर की हुई है, लिहाजा इस केस को फारिग करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत जो है नाज़रीन वो 19 सितंबर तक मुलतवी करते हुए जो दरख्वास्त गुजार हैं उनसे इसके ऊपर जो जवाब है वो तलब कर लिया है या जवाब मांग लिया है। अब इस केस के अंदर कुछ नहीं रहा, मैं शुरू से कहता हुआ आया हूँ कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का केस है। और वैसे भी एक कमीशन जो मेंबर है अगर कोई चीज़ वो फरोख्त करके ख़र्च कर देता है तो उसको ज़ाहिर करना इलेक्शन कमीशन में उसके ऊपर लाजिम नहीं है, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आप किसी सीट को जीतने के बाद तो जमा करा देते हैं लेकिन वो भी सिर्फ इलेक्शन एक्सपेंसेस जमा कराते हैं, लेकिन आप क्या एक्सपेंस कर रहे हैं उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई सरोकार नहीं है। एक बड़ा मुनासिब और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जवाब जमा कराया जिसके बाद मैं ये समझता हूँ कि वो जो भुरकस है या फिर जो हवा है इस रेफरेंस की इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो अब निकल चुकी है। बड़ी मायूसी होगी। अब इमरान ख़ान के ऊपर इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 2 ही मुकदमात हैं,
एक वो तौहीन अदालत या तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला या तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला और दूसरा पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस वाला। इन दोनों मामलों को इलेक्शन कमीशन के मामलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई चैलेंज करके रिलीफ हासिल कर सकती है। तो ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।